हेलो एवरीवन, आज हम स्पोर्ट्स का लेक्चर 3 करेंगे एंड इसमें हम करेंगे स्पोर्ट्स एंड ग्राउंड्स उनके रिगार्डिंग एंड एसोसिएटेड टर्म्स विद स्पोर्ट्स एंड ये हमारा स्पोर्ट्स का लास्ट लेक्चर होगा। सो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स कौन से स्पोर्ट्स कौन से ग्राउंड्स में खेले जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच स्पोर्ट जो है कौन से ग्राउंड पर खेला जाता है। सो स्टार्टिंग विद बैडमिंटन, बैडमिंटन हम खेलते हैं कोर्ट में, ठीक है, जो उसकी प्लेइंग ग्राउंड होती है जहाँ पे हम खेलते हैं उसको हम बोलते हैं कोर्ट। बेसबॉल का होता है डायमंड, सिर्फ बेसबॉल ही है जिसका ग्राउंड डायमंड हम बोलते हैं, ठीक है। बॉक्सिंग हम खेलते हैं रिंग में, ठीक है। एथलेटिक्स का आ जाएगा ट्रैक, जब वो भागते हैं तो उसको हम जो एरिया है उसको बोलते हैं हम ट्रैक। क्रिकेट जिस एरिया में बॉलिंग होती है वो आपको पता है उसको बोलते हैं पिच, अगर हम पूरी ग्राउंड की बात करें तो उसको हम बोलेंगे फील्ड। फुटबॉल भी हम कहाँ खेलेंगे, फील्ड में, जो ग्राउंड में खेलते हैं उसको हम बोलेंगे कि वो फील्ड में खेलते हैं, ठीक है। गोल्फ होगा उसका होगा कोर्स, ठीक है, गोल्फ के ग्राउंड को हम बोलेंगे कोर्स। हैंडबॉल को हम बोलेंगे, हैंडबॉल हम खेलेंगे कोर्ट में, ठीक है। हॉकी भी हम खेलेंगे फील्ड में, ठीक है। सो फील्ड के हमारे पास कौन से आ गए, एक आ गया क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, ये तीन चीज़ें हम खेलते हैं फील्ड पे, ठीक है। उसके बाद जो आइस हॉकी है और जो स्केटिंग है वो हम खेलेंगे रिंग में, चाहे वो आइस स्केटिंग हो या वो स्केटिंग हो उसको हम खेलेंगे रिंग में। सो रिंग में हमारे पास आ गए बॉक्सिंग, आइस हॉकी एंड आइस स्केटिंग एंड नॉर्मल स्केटिंग, वो रिंग में खेलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लॉन टेनिस, जिसको हम अगेन कोर्ट में खेलेंगे। कोर्ट के हमारे पास आ गए एक बैडमिंटन आ गया, देन हमारे पास एक हैंडबॉल आ गया और लॉन टेनिस भी हम कोर्ट में खेलेंगे, ठीक है। देन रेसलिंग को हम खेलेंगे रिंग में और एरेना में। सो ये थे इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स और उनकी प्लेइंग ग्राउंड्स। नेक्स्ट हम आते हैं हम एसोसिएटेड टर्म्स विद स्पोर्ट्स। सो ये कुछ स्पोर्ट्स हैं एंड ये उनकी एसोसिएटेड टर्म्स हैं। कई बार डायरेक्टली पेपर में टर्म पूछ दी जाती है और पूछा जाता है कि ये टर्म किसके साथ एसोसिएटेड है, सो हमें वो याद रखना पड़ेगा कि किस स्पोर्ट के साथ कौन सी टर्म है। डायरेक्टली आपको टर्म दे दी जाएगी और आपको आंसर करना पड़ेगा कि ये किस स्पोर्ट के रिगार्डिंग है। अब बास्केटबॉल के रिगार्डिंग है डंक, फ्रंट कोर्ट, ले अप, हेल्ड बॉल, पाइवट, रीबाउंड, स्टील, ये आप जितनी बार आप बोल के करोगे तो उतनी जल्दी आपको ये याद होगा। एक एक स्पोर्ट लो और उसको एक ही स्पीड में बोलो तो आपको याद हो जाएगा। लाइक बास्केटबॉल का डंक, फ्रंट कोर्ट, ले अप, हेल्ड बॉल, पाइवट, रिबाउंड, स्टील। डंक, फ्रंट कोर्ट, ले अप, हेल्ड बॉल, पाइवट, रिबाउंड, स्टील, इस तरह से जब आप बोलोगे एक ही फ्लो में तो ये आपको याद हो जाएंगी। क्रिकेट का बाय, ड्रॉ, गुगली, टॉप स्पिन, ओवर थ्रो, डक, हिट विकेट। बाय, ड्रॉ, गुगली, टॉप स्पिन, ओवर थ्रो, डक, हिट विकेट, इस तरह से, ठीक है। फुटबॉल का आएगा बेंड, ड्रिबल, डिसेंट, डमी, फ्रेंट, फ्री किक, हेडर, रेड कार्ड, थ्रोन्स। हॉकी का बुली, स्ट्राइकिंग, सर्कल, पोस्ट बैक। चेस का कासल, डायग्नोसिस, फाइल्स, पॉन्स, पीसीस, प्रमोट, गैम्बिट, पॉन। बॉक्सिंग का जैब, लेइंग ऑन नॉक, सेकेंड आउट, हैबिट पंच, अपरकट। बैडमिंटन का लोब, लेट, ड्राइव, ड्रॉप, लव। लव हमारा बैडमिंटन में भी है और लॉन टेनिस में भी है, ठीक है। पोलो में आ जाएगा चंकर बंकर, पोलो का चंकर बकर। बेसबॉल डायमंड, होम रन, पुट आउट, स्ट्राइक, आर्म रबर। राइफल शूटिंग टारगेट, मजल फब, बुलजाए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे कि बुलजाए इज एसोसिएटेड विद विच गेम, सो उसका आंसर होगा राइफल शूटिंग, इस तरह से हमें पूछते हैं क्वेश्चन में। रेसलिंग का हाफ, नेल्सन, होल्ड, सेगर, रिबट्स। गोल्फ का फोरसम, स्टाइमिन, स्टाइम, टी, पुट होल, कैडी, निबलिक, आयरन, द ग्रीन, बंकर। नेक्स्ट बिलियर्ड्स, जिगर, पॉट, ब्रेक पॉट, इन ऑफ, कैंस, बॉल्टिंग, लॉन्ग, हजार्ड, क्यू। स्विमिंग का ब्रेस्ट स्ट्रोक, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, क्रॉल, स्प्रिंग बोर्ड।
वॉलीबॉल एंथीनाए अटैक हिट एंथीना अटैक हिट लिब्रो सर्विस सेटअप ब्लॉकिंग ड्रिबलिंग लॉन टेनिस का एडवांटेज एस डेंस वॉली फुट फोल्ड स्मैश ग्रैंड स्लैम स्लाइस एंड लव टेबल टेनिस का एंड लाइन फ्लैट हिट फॉइल सर्विस फोन होल्डर ग्रिप रिवर्स टॉप स्पिन काउंटर हिटिंग लेट ठीक है. सो ये कुछ टर्म्स थी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग. कुछ कुछ स्पोर्ट्स पकड़ो रोज़ के दो या तीन, उसको एक ही फ्लो में बोलने की कोशिश करो. इसी तरीके से ये आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे. सो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग हमारे हम इतना ही स्टैटिक पोर्शन में कवर करेंगे, बाकी करंट में आपको करवाएंगे सुमित सर. स्टैटिक में बस इतना ही था. थैंक यू.